नमस्कार, मैं संजय सनम अभी माँ सभा भवन कोलकाता में खड़ा हूँ। आपको मालूम है, कल आपने वीडियो देखा होगा कि पूर्व TUPA के अध्यक्ष ने यहाँ पर जो चुनाव चल रहा था उसकी संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वो अनशन पर बैठ गए थे। उनका अनशन अभी जारी है। आप देख रहे हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं, उनकी पत्नी भी अब यहाँ पर आ गई है। एक तरह से माहौल में भावनात्मक उबाल अब साफ देखा जा रहा है। यहाँ पर तेरापंथ युवक परिषद के युवाओं की एक बड़ी कतार यहाँ पर खड़ी है। आज मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग खड़े हैं वो कल के घटनाक्रम पर अपनी बात कहें कि क्या हुआ, क्या जायज था, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ के युवक क्या कहते हैं। आपका नाम? जुगल किशोर। जुगल जी, आपको क्या लग रहा है इस घटना? कल का माहौल वो धर्म संघ के लिए बहुत ही गंदा माहौल रहा। मुझे 11:30-11:30 पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो मैं लगभग 12:30 बजे यहाँ पहुँचा तो देखा यहाँ पुलिस की गाड़ी आई है। अच्छा, उसके बाद में बाउंसर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या अपने धर्म संघ के चुनाव के लिए बाउंसर की पुलिस की जरूरत पड़ती है? मतलब बाउंसर यहाँ थे? हाँ, बाउंसर थे। क्या अपने धर्म संघ के अंदर में युवाओं के और धर्म संघ के आदमियों की कमी हो गई जो बाउंसरों को बुलाना पड़ा यहाँ पे चुनाव के लिए? फिर धमकी देना पड़ा कि 6 बजे बाद तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक मतलब तक की बात है ये। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब सियासत का खड़ा बन गया है? एकदम बिल्कुल सही बात है, सियासत का काम हो रहा है। और यहाँ पर आम जनता के मन में, आम समाज के लोगों के मन में आक्रोश है। आक्रोश है, शत प्रतिशत आक्रोश है। बहुत बहुत खूब। आपका नाम? मैं जयसिंह बैद। कल जो घटनाक्रम हुआ समाज के लिए बहुत ही गलत है ये चीज। और आज सुबह में आके यहाँ देखता हूँ, सब समाज के सब बुद्धिजीवियों की यहाँ भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय नहीं हो पाया, अनशन अभी तक तोड़ने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। आपका नाम? राजीव बोथरा। बोलिए बोथरा जी। मैं कल सुबह से कंटिन्यू 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कंटिन्यू यहाँ पे था, और कल का माहौल देख के मेरे को नहीं लगता कि जैन धर्म में इस तरह की कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। कल पुलिस ने मेरे को आके बोला कि आप यहाँ से जाओ। मैंने पुलिस को साफ जवाब दिया, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये जैन धर्म का हम लोग का सभा है, महासभा है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। आप होते कौन है? आप ऊपर जाके देखिए क्या गंदगी हो रही है वहाँ पे। जो गंदगी हो रही है उसको हटाइए, मेरे को हटाने वाले आप कोई नहीं होते। तो फिर पुलिस ने ये सुन के तुरंत आउट हो गई। आपको लगता है कि पुलिस को बुलाने में भी भूमिका है? एकदम पूरी भूमिका पुलिस को बुलाने में, मतलब ये मेरे पास पूरा प्रूफ है जो पुलिस ने, जिन्होंने पुलिस को बुलाया है और जो पुलिस के साथ थे। आप समाज के आम आदमी को और समाज के खास आदमियों को, जो समाज के कर्मठ आदमी कहे जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? जो आप आचार्य श्री महाश्रमण को क्या बताना चाहोगे? हमारे 13 युवक परिषद के साथ जो हो रहा है वो असंवैधानिक हो रहा है। अच्छा, वो आप उनको जल्द से जल्द सही करा दें। हमें सही निर्णय चाहिए। आपको लग रहा है युवाओं की ताकत, युवाओं का उत्साह, मनोबल तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, एकदम तोड़ा जा रहा है युवाओं का मनोबल। आपको लगता है कि इस वजह से युवा अब धर्म संघ में सक्रिय भूमिका निभाने से सब पीछे हट रहे हैं? पीछे कोई आगे नहीं बढ़ रहे, सब पीछे हट रहे हैं, सब पीछे हट रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? प्रमोद सुराना। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहोगे? कल की घटना के लिए, महासभा के अंदर जो घटना घटी है उसके लिए तो सभा के अंदर जो घट गई है उसके लिए तो सभा ही जिम्मेदार है, क्योंकि एक चुनाव के अंदर यदि पुलिस आती है यहाँ पर तो ये हमारे लिए कलंक के समान है, हमारे लिए कलंक का ही है। इस कलंक को मिटा देना चाहिए। पुलिस क्यों आए? इससे बड़ा इतने इलेक्शन हुए उसमें आज तक कभी पुलिस नहीं आई, तो कल क्यों पुलिस आई? मतलब आप कहना चाहते हो धर्म संघ के कोई भी संस्था के चुनाव में अगर इस तरह का भारी हस्तक्षेप हो रहा है, इसका मतलब ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपका नाम? लक्ष्मीपत सुराना। लक्ष्मीपत जी, आपको क्या लग रहा है? मैं इतने वर्ष से धर्म संघ में जुड़ा हूँ, इस तरह का काम मैंने पहली बार देखा है। ये धर्म संघ के लिए तो बहुत ही खराब है जी। कम से कम समाज के जो पदाधिकारी हैं, जिनको हम लोग कुछ अच्छे मानते हैं, उनको तो तुरंत इसका निर्णय करना चाहिए, तुरंत निर्णय करना चाहिए। महासभा में अंदर पुलिस आना ये तो सबसे ज्यादा खराब चीज है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 13 युवक परिषद का है, 13 युवक परिषद के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, क्या आप उनका भी इस्तीफा मांग रहे हो कि वो इसको ठीक से नहीं टैकल कर पा रहे? सुनवाई नहीं है वहाँ पे कोई। हम लोग फोन करते हैं, वो बोले हम आपको बता रहे हैं आपको इसके बीच में दखलंदाजी मत करें, दखलंदाजी नहीं करें। उनका वही जवाब आता है हम लोगों के पास से, मतलब ये एक तरह से जवाब नहीं, भावनाओं का जवाब नहीं है। मेरा भाई आजाद कुमार नाटा इसके लिए खड़ा हुआ था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मैंने जब उनको कहा
मैंने जब उनको कहा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है तो उनके पास किसी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब पूछा गया कि जवाब क्यों नहीं है तो इट इज नॉट योर कंसर्न बोल करके आपको छोड़ दिया गया। मतलब आपको लगता है ये सरासर नहीं, एकदम सरासर नहीं था, मतलब फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कोई कारण नहीं, कारण नहीं है। ये सोचने की बात है समाज के लोगों के लिए कि एक सामाजिक संस्था के चुनाव में इस तरह की बात हो रही है। और ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं यहाँ के, जो नाटा बोल रहे हैं, आपका नाम संजीव नाटा बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनके भाई एक तरह से प्रतिस्पर्धी के रूप में थे और उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ बिना कोई सही कारण बताए हुए। तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि इस तरह के इस पवित्र मंच पर किस तरह की सियासत का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों को ये जागरूक होकर के चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि क्या इस तरह की सियासत यहाँ पर चलती रहनी चाहिए। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम? चंद्र प्रकाश गोलछा। हाँ, मैं साउथ हावड़ा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मेरा साउथ हावड़ा से जितेंद्र बैंगानी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसके पास 15 तारीख को शाम को 6 बजे मदन जी मरोटी जो हमारे इलेक्शन के ऑफिसर थे उनका फोन आता है कि आप एक काम करिए, लिस्ट में जो नाम है उसमें एक नाम और जोड़ लीजिए। उसने कहा किसका नाम है, तो उन्होंने उनका नाम भी बताया, जितेश कुमार चौड़िया। बोला सर अभी 15 तारीख, कल इलेक्शन होना है, अभी 15 तारीख शाम को 5 बजे आप बोल रहे हैं कि नाम जोड़ लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला तुमको जोड़ना है तो जोड़ लो, नहीं तो जोड़ना नहीं जोड़ो, हम लोग लिस्ट में जोड़ चुके उसका नाम। मतलब एक तरह से आप पर निर्णय थोपा गया। मतलब आज आप एक लिस्ट दे चुके हैं, उसके बाद में आप एन मतलब 12 घंटा पहले बोल रहे हैं कि एक आदमी का नाम और जोड़ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम विकास पुगलिया है। कल का जो हुआ अपने समाज के लिए कलंकित, एकदम पूरा कलंकित है। और युवा समाज क्या देख रहा है, अपना समाज में इतना गंदेवाड़ी पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का कारण नहीं बनना चाहिए। जी पॉलिटिक्स करना है तो सामना सामने पॉलिटिक्स करो, ये पॉलिटिक्स गंदेवाड़ी बंद करना चाहिए और पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। आपका नाम? विवेक सुराना। विवेक सुराना, विवेक जी क्या कहना चाहते हो? बैठे रहो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कुछ पर्टिकुलर जन सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पे और कुछ अपने क्या बोले कुछ अपने समर्थक जोर जबरदस्ती बोल लीजिए, ये सब जितने भी है सही जन को दबाया जा रहा है और गलत को ऊपर किया जा रहा है। ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। गुंडागर्दी, मारा पीटी, पुलिस आना, गाली गलौज देना, माँ बहन थी, ये सब चीज़ कम से कम इस पवित्र स्थान पे नहीं होना चाहिए। आज चाहे जो भी है सब हमारे भाई है। कल मैंने यही लिखा था सबके व्हाट्सएप में कि कुछ भी हो आज हम लोग ब्रदर है, एक हाथ से हाथ नैन से नैन अपने मिला सकते, बस इतना ही हम मेरी प्रार्थना थी। बट वो भी आज लग रहा है वो भी नहीं कर सकते हम लोग, मतलब संबंध खत्म करने की कोशिशें हो गई, संबंध खत्म करने की, संबंध बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अब समाज में अगर इस तरह से संबंध जो जुड़ नहीं रहे हैं बल्कि जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो समाज को हम क्या संदेश दे रहे हैं? आपका नाम? नीरज बेंगानी। आप क्या बोल रहे हो बताओ। मैं क्या बोलूंगा कि कल 13वां समाज के लिए काला दिवस था। जिस हिसाब से ये पुलिस का बल या बाउंसर ये सब लाए, पिछले साल चुनाव हुआ तो करीबन 1200 आदमी थे, लेकिन ना कोई पुलिस ना कोई, एकदम शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और कल शायद 300-400 आदमी नहीं थे, उसमें चार चार बाउंसर पुलिस ये सब, मतलब ये डराने धमकाने की, धमकाने की पूरी बात है। आपका भाई साहब नाम? प्रताप गोत्रा। आप क्या कहना चाहते हो? ये कि जो कुछ भी ये हो रहा है, जो घटनाक्रम कल से चल रहा है, ये समाज के लिए बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें आप इसकी निंदा करते हो? निंदा करते हैं और तुरंत सुधार होना चाहिए, तुरंत सुधार होना चाहिए। एक्चुअली पवन जी सुराना की जो विगत वर्षों में जो, आपका नाम बताइए पहले, बता रहा हूँ मैं, विगत वर्षों में जो इनका कार्यकलाप रहा, सब इतने खुश थे समाज के लोग, चंद व्यक्ति अपने नाम के शिखर को ऊंचा रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। ये मैं आपको बता दूं, जिसको अभी तक आपने किसी को नहीं बताया, डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी को अपनाया है, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ये अपना करके यहाँ के समाज को टुकड़े टुकड़े करने की सोच लिया इन लोगों ने, खंड खंड कर दिया है। आप लोग सहमत हो, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी, कुछ भी पॉलिसी चलेगी तो हमारा, अगर महाश्रवण जी का अगर आदेश होगा तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन ये उनका आदेश नहीं था, ये जो चंद व्यक्ति हैं उनका निर्णय था, चंद व्यक्तियों का निर्णय अब नहीं चलने वाला है,
जनता जागरूक हो चुकी है और सब आदमी सच्चाई के समर्थन में यहाँ इनके पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपना बयान दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी श्रोतागणों को ये कहूंगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खत्म करो और जो पहले था उसी को वापस अपनाओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, बताइए, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी भूमिका क्या है अभी? उनकी भूमिका अभी वही रही है कि डिवाइड एंड रूल। हाँ। वो किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो जब तक वो उस पद पर रहेंगे तब तक आपका आप उद्धार कैसे करेंगे? उस पद पे रहे कोई बात नहीं है, लेकिन वो अगर किसी के दबाव में काम कर रहे हैं तो उसको वो भूल जाएं और पूर्णतः स्वतः जो पिछली भूमिका थी कि जैसे एक तेरापंथ युवक परिषद में एक ही अध्यक्ष था उसी भूमिका को वापस लाएं एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को छोड़ें। मेरा नाम अशोक बैद है, मैं कलकत्ते में ही रहता हूँ। बहुत बहुत आभार। आपका नाम बाबू? मैं शिवांग सराना हूँ। क्या बोलिए आप? एक गणाधिपति की लाइन याद आती है, आत्मशुद्धि का जहाँ प्रसंग हो संप्रदाय का मोह नहीं। तो ये लोग भूल गए कि आत्मशुद्धि क्या होती है। संप्रदाय की सत्ता में बैठ के अपना राज करना चाहते हैं, चाहे मतलब प्यार से चुनाव से मनाओ से हमने पवन भैया को लाया, वो नहीं जीता तो उसने कहा अगर मैं नहीं जीता तो मैं इसको भी नहीं रहने दूंगा। पूरे एक साल भी नहीं हुआ, आठवें महीने में इनको कह दिया कि भैया तेरे को तो टूटना पड़ेगा, तेरे को तो निकलना पड़ेगा। आप यह कहना चाह रहे हो कि पिछले चुनाव की हार का बदला लिया जा रहा है? हार का बदला नहीं लिया जा रहा है, हार सहन नहीं हुई उसको निकाले कैसे? निकाले कैसे? ठीक ठीक बात। आपका नाम? जितेंद्र खडेर। क्या कहना चाहते हो? मैंने जो कल देखा इससे बहुत दुख हुआ कि हमारे समाज के लोग ऐसा कर सकते हैं। शायद कोई पंचायत चुनाव वगैरह ऐसा सुना है, पेपरों में देखा है, टीवीओ में देखा है, वो तो राजनीति का होता है। एग्जैक्टली, वो राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां करती है, बट समाज के लोग ऐसा करते हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि अब राजनीतिक पॉलिटिक्स वालों को यहाँ आकर सीखना चाहिए पॉलिटिक्स कैसे होती है? बहुत बढ़िया से उनको बेटर ज्ञान मिलेगा, उनको और बेटर ज्ञान मिलेगा। जो काम पवन भैया ने 6 महीने में किया, 8 महीने में किया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये मुझे बताने की दरकार नहीं है, पूरा समाज जानता है, पर उसके बावजूद आज हमें तोड़ा गया। आप सुन रहे हैं किस तरह से कोई और कोई जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा आप लोग उसको सुधार करना चाहिए था। उसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो है एक्चुअली उस लोग में पूरा क्लियरिटी नहीं थी, पुलिस भी आई तो वो चीज़ ठीक नहीं थी, उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, उसमें आप लोगों सबको चिंतन करना चाहिए। ओमर, आपको लग रहा है गलत हुआ? लग रहा है गलत हुआ? टेक्निकली गलत हुआ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, न पक्ष का न विपक्ष का, पवन का साथ दे सत्य का, सबको एक साथ मिलकर इस चीज को रोकना चाहिए। पक्ष साथ दे सत्य का, आप ये देख रहे हैं ये बैनर अनसन का। ये युवक कल 2 बजे के आसपास से अन्न और पानी का त्याग करके बैठा है। इसकी विरोध है, विरोध इस बात का है कि चुनाव की जो प्रक्रिया चली वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं थी और उसूलों का हनन हुआ है। इसलिए युवक और इसके साथी इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। आप जो कतार देख रहे हैं, आप भी अनशन पे है? ओहो, आप भी? आपका नाम सर? सुरेंद्र से खाने। आप भी अनशन भी है कल से? आपसे 12 बजे से। वाह साहब, आप नाम क्या बताइए? सुरेंद्र सेखानी। सुरेंद्र जी सेखानी, देखिए एक युवा और जुड़ गया है और ये पता नहीं और भी कतार आ सकती है। आप आज से जुड़े हो? देखिए ये भी अनशन की कतार बढ़ती हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज को समाज के लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मौसम है गर्मी का, इस मौसम में अगर इस तरह से अनशन का ये चलेगा, पानी की कमी होने से अगर किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग बैठे हैं समाज की एक विसंगति के सुधार के लिए। ये लोग कोई धर्म के लिए नहीं बैठे हैं, ये समाज की विसंगति के सुधार के उस धर्म के लिए बैठे हैं। ये मजबूरी से बैठे हैं, इस मजबूरी का जवाब समाज के खास लोग और समाज के गुरु आचार्य श्री महाशर्मन को बहुत जल्दी इंगित देना होगा। अन्यथा अगर कोई घटना ऐसी घट गई, तकलीफ दे घटित घटना घट गई, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये खबर चलाते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन
ये खबर चलानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि समाज के आम आदमी तक अगर ये संदेश नहीं जाएगा तो मुझे लगता है जागरूकता नहीं आएगी। एक पत्रकार का धर्म निर्वाह करने के लिए मुझे ये खबर चलानी पड़ रही है। मैं अपील करता हूँ समाज के सभी लोगों से खास आम सभी लोगों से, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन अगर कहीं भी गलती हो रही है उस गलती का सुधार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अगर हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम समाज के लिए कलंक का काम करते हैं। अब फैसला समाज वालों आपको लेना है कि इस अनशन की इस परिसर में जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको किस रूप में कितनी जल्दी से जल्दी उसका निदान करना है। और आपको दिखा दूं पवन सुराणा की धर्मपत्नी भी यहाँ आकर बैठ गई है, और ये दृश्य बहुत अच्छा दृश्य नहीं है। अगर बहुत सारी महिलाएं अगर इस तरह से आकर के बैठ जाएगी तो आप समझिए वो माहौल कैसा बनेगा। अगर उस माहौल से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भावनाओं का वो उबाल न आए, तो बहुत जरूरी है इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान हो। मैं संजय सनम आप सबसे ये अपील करता हुआ और ये आशा करता हुआ कि समाज के जागरूक लोग इस समस्या के समाधान के लिए तत्पर कोशिश करेंगे। ये जीत और हार का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, समाज की एकता का मुद्दा है, और एकता के लिए हमको अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।